वक्त बुरा हो तो हौसला मत टूटने दो, वक्त बदलेगा और फिर सब बदल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम हल करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 से संबंधित 12 अति महत्वपूर्ण MCQ। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस टॉपिक का यह भाग 4 है। इससे पहले हम 3 भागों में 28 क्वेश्चन हल कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज के इस सत्र में हम 12 क्वेश्चन हल करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं और शिक्षण से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए अति लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, इसलिए आप सत्र को आखिरी तक देखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विकलांगों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो NEP 1986 में विकलांगों की शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है। प्रश्न का उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है NEP 1986 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसमें 10वीं और 12वीं कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा करने, सतत मूल्यांकन करने और अक्सर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। तो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा कराने और सतत मूल्यांकन करने और अक्सर ग्रेड प्रणाली यानी ABCD इस प्रकार से ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है NEP 1986 में, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो इस प्रकार के प्रश्न पर आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा नेशनल टेस्ट सर्विस शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है, इसका भी उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभी तो हम इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि हम केवल 1986 की शिक्षा नीति के क्वेश्चन आंसर ही हल कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें सही करने के लिए बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत होती है। तो नेशनल टेस्ट सर्विस यानी राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है। प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है NEP 1986 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों यानी कल्चरल प्रोग्राम को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। तो 1986 की शिक्षा नीति में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया। तो करिकुलम का अंग स्वीकार किया गया था कल्चरल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है। तो शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर एवं ओएचपी यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही आप जानते हैं टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, खासकर कंप्यूटर के मामले में राजीव गांधी को काफ़ी आगे माना जाता है। तो भारत में उस समय इस शिक्षा नीति के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसमें शिक्षक भाषा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे शॉर्ट में डाइट कहते हैं स्थापित करने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु यानी टीचर एजुकेशन में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है NEP 1986 में। तो आप जानते हैं भारत के प्रत्येक जनपद में एक डाइट होता है जो कि शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु कार्य करता है और जो भारत सरकार की राज्य सरकारों की शिक्षा संबंधी कार्यक्रम या गतिविधियां संचालित होती हैं उन्हें वह पूरे जिले में चलाने का कार्य करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षक शिक्षा कॉलेजों यानी CTE में सम्मिलित करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में सम्मिलित करने की योजना प्रस्तुत की गई है। तो कुछ अच्छे कॉलेजों को शिक्षक शिक्षा कॉलेजों और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में सम्मिलित करने की योजना प्रस्तुत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन तो आप बता लेंगे यहाँ पर, लेकिन प्रश्नों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रश्नों को समझने में सक्षम हो गए तो आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जिसे शॉर्ट में NCTE कहते हैं को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वायत्त दर्जा देने की बात NEP 1986 में कही गई है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को स्वायत्त दर्जा देने की बात NEP 1986 में कही गई है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है। तीन प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। तो प्रशासन के विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो आज के इस सत्र में हमने 12 प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण MCQ हल किए हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब तक हमने 4 भागों में 40 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। 3 वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है, उन्हें आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, एक लाइक भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और योर सिलेक्शन योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।